तो दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इस डी के क्लाउड कश्मीर विलो क्रिकेट बैट का तो जैसे कि आप देख सकते होंगे ये है डी का यहाँ पे क्लाउड कश्मीर विलो क्रिकेट बैट इसकी भाई बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इतनी रिक इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैंने कहा चलो भाई पहले इसको ही परचेज करते हैं तो ये देख रहे हो आप आ चुका है और बेसिकली आजकल जो ये सिस्टम चल पड़ा है कि इसमें बेसिकली बिना कुछ कंपनीज जो हैं बिना बॉक्स के यहाँ पर बेसिकली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बैट भेज देती हैं ऐसे ही तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है ये देखिए यहाँ पे कवर डैमेज हो चुका है ट्रांजिट में यही बिल चिपका रखा है पूरा इस लिफाफे के अंदर और ऐसे ही बिना उसके भेज दिया तो ये चीज़ यार मुझे सही नहीं लगी मतलब एटलीस्ट आपको बॉक्स में पैक करके या ऐसे भी कुछ कुछ पैकिंग देनी चाहिए क्योंकि कितना भी आप सेफली लेके आ जाओ तो ये डैमेज हो जाता है तो खैर चलो करते हैं इसकी रिव्यू देखते हैं कैसा ये क्रिकेट बैट कैसा है इस छोटे से इंट्रो के बाद दोस्तों मैं हूं हर्षित तो और स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना क्योंकि वो फ्री है तो चलिए आइए देखते हैं तो ये देख सकते होंगे आप ये है अपना डी का आपका ये क्रिकेट बैट और ये मैंने इसको निकाल लिया है सबसे पहले बात करता हूँ कवर की हालांकि कवर में बचा नहीं है कुछ तो कवर का कलर यहाँ पर आप देख सकते होंगे ऑरेंज और ब्लैक टाइप में कवर दिया हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो देखने में लुक वाइज तो इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन सही सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन आ, क्वालिटी नॉर्मल है कवर की कुछ खास नहीं है और वो भी ट्रांजिट में जो है फट चुका है तो कवर लगभग यूजलेस सा हो चुका है मेरे लिए तो यह चीज़ है तो यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी आजकल अमेजान पर चीज़ें जो है बिना बॉक्स के आने लग गई हैं या फिर इनफैक्ट कुछ कंपनीज़ ने यार बिना बॉक्स के भेजने लग लगी हैं बैट वगैरह तो यार वो डैमेज हो जाता है तो ये थोड़ा सा ये चीज़ है कि कवर डैमेज हो गया है बाकी कवर की क्वालिटी नॉर्मल है कुछ खास नहीं है तो खैर साइड में रखते हैं आ, इसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी के कवर का लिंक दे दूंगा मैं अगर आप लेना चाहते हो तो साथ में एक नया कवर भी परचेज कर लेना जो फॉर्म पैटिंग वाला हाई क्वालिटी का कवर होगा आ, वो दूसरी कंपनी का है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं सो so, अब आता है यहाँ पे हमारा बैट तो आप देख सकते होंगे बेसिकली गाइज ये है डी का इंटेंस क्लाउड यहाँ पर कश्मीर बिलो क्रिकेट बैट है और काफ़ी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आया तो उसके ऊपर सबसे तो तो पहले पॉली है तो मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं सो गाइस फाइनली इसकी जो पॉली है मैंने रिमूव कर लिया आप देख सकते होंगे कुछ इस तरीके का बैट है यार फर्स्ट लुक में तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है एकदम यू नो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एकदम सुपर वाला है मुझे बहुत पसंद आया फर्स्ट लुक में और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेन्स की तो वो भी काफ़ी सही लग रही है यहाँ पे मुझे इसके ऊपर इन्होंने एक आ, यहाँ पर आ, सब कुछ ओरिजिनल रखा हुआ है लेकिन एक छोटा सा फाइबर यहाँ पर लगाया हुआ है फाइबर टाइप में जिससे कि ये यह गन्दा नाव बैट फेज इस थम्सअप है बाकी अगर मैं ग्रेन्स की डायरेक्टली बात करूँ तो यहाँ पर ये यह चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे ओरिजनैलिटी रखी हुई है और ग्रेन्स की बात करूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तकरीबन नौ ग्रेन्स इसके अंदर आपको मिल जाती है नाइन ग्रेन्स के आसपास इस बैट के अंदर हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इसको पास से देख लीजिए एक बार तो काफी सही लग रहा है मुझे और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहां पे ग्रिप की क्वालिटी की तो सुपर एकदम बढ़िया ग्रिप है देख सकते होंगे आप सर्कुलर टाइप में यहां पे दी हुई है जिससे होल्ड वगैरह काफी बढ़िया बनता है और अभी तक तो यार ये बैट मुझे बहुत जबरदस्त लगा यू नो प्राइस की बात करें तो तकरीबन उन्नीस सौ के आसपास का ये आपको मिल जाता है अमेजोन पे जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और यहां पर इन्होंने छोटा सा ये लूप टाइप में भी लटकाने के लिए दिया हुआ है तो खैर इसके अलावा यहां पे आपको टोगाड भी मिल जाता है तो थम्स सही है भाई अभी तक तो काफी बढ़िया मुझे यहाँ पे लग रहा है तो चलो एक बार ना इसका वेट करके देखते हैं कि इसका वेट एक्चुअली है कितना सो so दोस्तों आप देख सकते होंगे जो DSC का बैट है इसका जो बेसिकली वेट है हम इसको रखते हैं और देखते हैं तो इसका जो वेट है तकरीबन 1170 ग्राम के आसपास का वेट इस क्रिकेट बैट के अंदर अब चलो बाइस एक बार इसकी जो है नॉकिंग करके देखते हैं एमर से कि कैसे यहाँ पर इसकी नॉकिंग वगैरह करके क्या रिजल्ट आता है तो आप देख सकते होंगे इसका जो स्वीट स्पॉट है वो कुछ यहाँ पर है so guys, finally, यहां पर इसको यहाँ पे नॉक वगैरह करने के बाद में यही कहना चाहूंगा कि यार बैट काफी ज्यादा मुझे ये सही लगा और ग्रेन्स भी इसके अंदर काफी बढ़िया है शेप भी आप देख सकते होंगे काफी सही है और इसके अलावा यहाँ पर फुल केन का यहाँ आपको हैंडल भी देखने के लिए मिल जाता है आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे फुल के का हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है और यार क्वालिटी जो है ना मतलब सुपर है यार मतलब जी खुश कर दिया ऐसे बैट होते हैं तो मज़ा आता है रिव्यू करने में टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मतलब देखते ही यार मेरा ऐसा मन कर रहा है कि आपको कहूँ कि यार जाओ गो फॉर इट राइट दिस इज अमेजिंग मैन लाइक इस प्राइस में ये बैट बहुत सही है और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है ग्रिप की क्वालिटी भी जबरदस्त है टो गर्ट दिया हुआ है लुक वाइज भी मस्त है बैट पकड़ने में बैलेंस भी मस्त बन रहा है राइट और थ्रो वगैरह भी बेहतरीन है तो कई ये कहना चाहूंगा कि यार अगर आप आग इस बैट के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लेदर ले की बोल से आप इससे खेल सकते हो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है एकदम फर्स्ट क्लास बैट लग रहा है मुझे तो यार ये और काफ़ी सही लगा मुझे डीएससी का ये बैट तो डीएससी एस सी अप फ्रॉम माय साइड दिस बैट इज़ रियली फैंटास्टिक आई लव इट मैन लाइक यू नो कैन यू इमेजिन लाइक यू नो Everything is इज़ परफेक्ट चाहे आप ग्रेन्स ले लें चाहे प्रॉपर यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है ग्रिप ले लें आप इसके हैंडल ले लें आप इसका बैलेंस ले लें आप इसकी वेट हर चीज़ एकदम परफेक्ट है यार मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी बुराई मैं करूँ तो करूँ कैसे आ, कोई भी चीज़ मुझे यार इसमें अभी तक नेगेटिव ऐसी दिखाई नहीं दी है जिसके बारे में आपको बोलना चाहूँगा तो मैं यार यही कह सकता हूँ इस बैट के बारे में कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली हाँ अंडर टू थाउजेंड रुपीज़ ये काफ़ी बढ़िया बैट है क्रिकेट बैट कश्मीर वालो क्रिकेट बैट अंडर टू थाउजेंड रुपीज़ काफ़ी बढ़िया है ये तो आप इसके लिए ज़रूर से जा सकते हैं मैं यही कहना चाहूँगा और मुझे पर्सनली बढ़िया लगा ये बैट काफ़ी पसंद आया हर चीज़ इसकी एकदम यू नो मुझे यार मैं मतलब कोशिश करता हूँ जो नेगेटिव चीज़ हो बैट की वो दिखा सकूँ बोल सकूँ पर मुझे यार पर्सनली इस पहले बैट के अंदर कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दी हर चीज़ इन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ पर अच्छे से काम किया हुआ है ये चीज़ है तो गाइज़ यही बोलना चाहूँगा कि ये बैट यार काफ़ी सही है आप इसके लिए जा सकते हो तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड इसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी के कवर का लिंक दे दूंगा मैं अगर आप लेना चाहते हो तो साथ में एक नया कवर भी परचेज़ कर लेना जो फोम पैटिंग वाला हाई क्वालिटी का कवर होगा वो दूसरी कंपनी का है तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं तो उससे इस बैट की प्रोटेक्शन भी अच्छी हो जाएगी ठीक है तो गाइज फाइनली कंक्लूड करना चाहूंगा तो मेरी तरफ से इना नट शेल बैट काफ़ी बढ़िया है आप इसके लिए जा सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यही था इस बैट का रिव्यू मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय